Please subscribe and share SWNU. लाइट व्हीकल के लिए टोल फ्री किया है, टोल फ्री करने की वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। और बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, बहुत लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किया और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी थाना टोल के यहाँ पे खुद आंदोलन किया था, खुद वो कोर्ट में गए थे टोल बंद होने के लिए। और आज मुख्यमंत्री नाते उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मुंबईकरों के लिए ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम मुंबईकरों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का धन्यवाद मानता हूँ। उसी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी दूर हो जाएगी, फ्यूल भी जो संदर्भ से ज्यादा होता था, लोगों के पैसे भी बचेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई से नवी मुंबई में MMR रीजन में बहुत सारे लोग काम पे जाते थे और उनको 45-75 डेली पे करने की वजह से उनका जो पेमेंट है उससे रोज 10,000 हर महीने में 10,000 जाते थे। आज उनके 10,000 बचेंगे, उस 10,000 उनके फैमिली के लिए यूज हो जाएंगे और उस 10,000 जो उनकी फैमिली को भी राहत मिलेगी। तो एक निर्णय टोल से रिलेटेड से लेके हर एक फैमिली को भी रिलेटेड था, हर एक टाइम से भी रिलेटेड था, लोगों का 1-1.5 घंटा भी बचेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय की वजह से बहुत लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री पद ज्यादा आल आज आंदोलना कुठेतरी आज एक चांगला काय दिलेला आहे। पुनः एकदा मनपूर्वक आभार मानतो। या ठिकाणी वाहतूक कोंडी पण टोल नाक्यावर होत होती, ती वाहतूक कोंडी पण दूर होईल। 5 टोल नाक्यावर एक एक तास लोकांना उभं राहावं लागायचं, गाड्यांचं रांगा या ठिकाणी लागायच्या, आता ते चित्र तुम्हाला दिसणार आहे। आणि कालच माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी वाशी ब्रिजचं पण उद्घाटन केलेलं आहे, दुसऱ्या ब्रिजचं उद्घाटन 2-3 महिन्यात आहे। त्यामुळे हा 10 लेनचा हा ब्रिज झालेला आहे, त्यामुळे 10 लेनचा ब्रिज होऊन जर टोल चालू झाला तर पुन्हा एकदा ट्रॅफिकला सामना करावा लागला असता। त्यामुळे त्या ब्रिजच्या बरोबरच हा टोल नाका त्यांनी बंद केलेला आहे, त्यामुळे कालचं ज्या ब्रिजचं काम झालेलं त्याचा फायदा आजच्या या निर्णयामुळे होणार आहे। त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये एक खुशीचं वातावरण आहे आणि हा एक खूप चांगला निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे। तर येत्या निवडणुकीमध्ये मुंबईकर हा निर्णय निश्चित रूपात हा निर्णय कारेल, याच्याबरोबर लाडकी बहीण हा योजनेचा पण निर्णय कारेल। आणि कित्येक मुंबईकरांकरता SRAचा जो रखडलेला प्रकल्प आहे तो शासनाच्या वतीने करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, माडाच्या पुनर्विकास संदर्भात निर्णय घेतलेला आहे। आणि कित्येक मुंबईकरांसाठी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी निर्णय घेतलेला आहे, ते निश्चित स्वरूपात मुंबईकर महायुतीच्या बाजूने उभे राहतील आणि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मागणी केली। सबसे पहले तो शिंदे साहब के इतने सारे फैसले लिए कुछ महीनों के अंदर, जैसे लाड़की बहन की जो योजना थी जिसमें सारी बहनों को एक आमदनी की सपोर्ट मिली परिवार चलाने के लिए, वैसे जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है उनको भी एक योजना मिली है। तो मतलब इवन पुरुषों को मिली है, जो यंगस्टर्स है उनको भी सहयोग दिया है शिंदे साहब ने। वैसे ही आज एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि जो टोल नाका जो टोल टैक्स था जो बॉम्बे में आने जाने के लिए बहुत सारी व्हीकलें रोज आती है जाती है, लोगों को रोज का करीबन 70 रुपए एक टाइम का लगता है, तो करीबन किसी को 200 किसी को 400 ऐसा लगता है रोज का, तो आज माफ कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से जो इतने बड़े पैमाने पे जो छोटी गाड़ियां यहाँ पे आती है उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। और मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी राहत कभी किसी संगठन ने कभी दी नहीं है जो शिंदे साहब ने आज एक दिन में मुक्त किए। और इसके जरिए से जो जितने भी टैक्सियां हैं उनके घर में शायद चूल्हा और अच्छी तरह जलेगा, ये चूल्हा जलने का संकेत है। और शिंदे साहब की सरकार ने यही हमेशा नियोजन किया है कि घर में चूल्हा जले, तो चूल्हा जलने के लिए सबसे बड़ा माध्यम गिरा है। मैं बहुत खुश हूँ एकनाथ शिंदे अगला साल भी जीते, सर का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एकनाथ शिंदे ने जो जो वादा किया था धीरे धीरे वो वादे पे खड़े उतरते जा रहे हैं, क्या कहने जाएंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं अगला बार भी उनको ही वोट दूंगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपका पैसा बच रहा है, इसमें कितना आपका दिन में पैसा जाता था?
₹200 तो जाता है, 250 रूपए वही पैसा आपके फैमिली के भी काम आ सकता आता है, तो बराबर है। मतलब आप क्या खुश हैं? खुश है, खुश है ये पैसा। दिवस आहे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी जी राज्यसभेमध्ये जी घोषणा केलेली आहे टोल बंद करणार आहे आज रात्री 12 वाजल्यापासून आणि तो बंद झालेला आहे। ह्या आंदोलन ह्या वेळेची वाट सर्वजण बघत होते आणि हा टोल बंद व्हावा रद्द व्हावा ह्यासाठी बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलेले आहेत, बऱ्याचशा केसेस अंगावरती घेतलेले। गेल्या 20 वर्षापासून सर्वजण या गोष्टीची वाट बघत आहेत आणि आज मात्र या 20 वर्षामध्ये बरेचसे मुख्यमंत्री आले आणि गेले, परंतु सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी ही घोषणा केली आणि आजपासून तो फ्री झालेला आहे। सर्वसामान्य जनतेमध्ये गोर गरिबांच्या कैवारी असे श्रीमान एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी सर्व जनतेचा विचार करूनच ही टोल रद्द केलेला आहे। इतकंच मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज इथे सर्वजण मुख्यमंत्री साहेबांच्या लाडक्या बहिणी आहोत आणि लाडक्या बहिणी म्हणून आम्ही तुम्हाला सर्वांनी इतकं सांगू शकतो, पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री म्हणून आम्ही सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनाच पाहणार। एकनाथजी शिंदे साहेबांचा एकनाथजी शिंदे साहेबांचा। आता आपली मुख्यमंत्र्यांनी माननीय शिंदे साहेबांनी जो 30 वर्षांनी जो निकाल लागलेला आहे आणि खरंच हा आनंदर्शन आहे आमच्यासाठी आज आणि हा पाठपुरावा आमच्या साहेबांनी घेतलेला, शेवाळे साहेबांनी शिंदे साहेबांनी त्या निकाल लावला, तर खूपच चांगली गोष्ट केलेली आहे आणि महिलांसाठी त्या महिलांसाठी देव झाले देव, महिला कोणत्या आम्हाला खरंच रोजगार दिला साहेबांनी, असा कुठलाही मुख्यमंत्री नव्हता ज्यांनी रोजगार दिला आहे, ते सगळे रोजगार दिलेले आहे आणि मग आता महिला आपल्या पायावरती उभं राहून धंदा करू शकतात। थैंक्स फॉर गिविंग दिस टोल फ्री एंड मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही टोल फ्री हो जाए तो जो सारे नागरिक को सुविधा मिले और वो फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त हो जाए। और फिर से मैं अभिवादन करना चाहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और जय भारत जय इंडिया।